फॉर्च्यूनर को अगर आप देखते देखते थक चुके हैं तो निसान ने आपकी आवाज सुन ली है और लेकर आया है फोर्थ जेन एक्स ट्रेल। तो आइए आज हम निसान की एक्स ट्रेल के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में। एक्स ट्रेल को 10 साल पहले भी इंडिया में बेचा जाता था, उसके बाद इसे डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया और पहले भी ये सीबीयू यूनिट थी और ये वाली भी एक सीबीयू यूनिट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पर दे सकते हैं, निसान की वी मोशन ग्रिल बड़ी शान से गाड़ी के आगे लगी हुई है और ये इसको काफी इम्पोजिंग स्टांस देती है जो एसयूवी के लिए रिक्वायर्ड होता है और इंडियंस की तो फेवरेट सेगमेंट आजकल एसयूवी ही है। तो यहाँ पर आपको एक स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन मिलता है, ऊपर की तरफ डीआरएल इंडिकेटर्स और नीचे की तरफ आपको मेन एलईडी लाइट मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एयर वेंट्स जो कि फंक्शनल हैं और ये चैनलाइज करते हैं हवा को ब्रेक्स की तरफ टू कूल देम डाउन। और बम्पर की तरफ अगर आप अंदर देखेंगे तो आपको एक्टिव एरो शटर्स मिलते हैं जो कि एफिशिएंसी और एरोडायनामिक एफिशिएंसी को बेसिकली इंप्रूव करती है। अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूं तो ये सच में काफी मैसिव लगती है। ऑलमोस्ट 4.7 मीटर इसकी लेंथ है जो कि लगभग एक्सयूवी 700 के बराबर है। अगर आप इसकी रूफ लाइन को ऊपर देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है जिससे कि आपको एक प्रॉपर स्क्वायरिश एसयूवी वाला लुक इसमें मिलने वाला है। एक और अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाऊं तो इसकी डोर ओपनिंग ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज की है जिससे गाड़ी के अंदर जाना या बाहर आना काफी इजी हो जाता है। कई सालों के बाद निसान ने फाइनली अपने पोर्टफोलियो में एक और प्रोडक्ट ऐड किया है क्योंकि इससे पहले सिर्फ वो मैग्नाइट बेच रहे थे। CMA प्लेटफॉर्म पर बनी निसान की फोर्थ जनरेशन एक्स ट्रेल वर्ल्ड वाइड 2021 से बिक रही है लेकिन इसे इंडिया में अब 2024 में लाया गया है। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मिल जाते हैं आपको 20 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स और राउंडेड व्हील आर्चेस, साथ ही साथ आपको यहां पर एक प्लास्टिक क्लैडिंग में मिल जाती है जो कि आपकी एसयूवी को एक रगेड लुक देगी। रियर पोर्शन की बात करूं तो सबसे पहले आपको मिल जाता है एक शार्क फिन एंटीना, एक बड़ा सा स्पॉइलर, यहां पर एक बहुत ही बड़ी ब्रेक लाइट, साथ ही साथ थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको मिलता है यहां पर रैप अराउंड टेल लैंप्स, यहां पर एक्स ट्रेल की बैजिंग और एक और इंटरेस्टिंग बात, दिस इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक टू कीप द वेट लो। तो यहाँ पर आपको 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, साथ ही साथ आपको मिल जाती है 1.7 मीटर की हाइट। अगर मैं इसके व्हील बेस की बात करूं तो ये है 2705 mm का। इंटरनेशनली आपको ये 5 या 7 सीटर ऑप्शंस के साथ मिलती है लेकिन इंडिया में आपको सिर्फ 7 सीटिंग ऑप्शंस के साथ ही एक्स ट्रेल मिलने वाली है। अब आ जाते हैं इंजन की तरफ। निसान की एक्स ट्रेल में आपको सिर्फ एक इंजन ऑप्शन मिलता है विच इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल। ये प्रोड्यूस करता है 163 bhp और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये पेयर्ड है एक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ और निसान कहता है ये एक इंटेलिजेंट सीवीटी है जिसमें कि आपको रबर बैंड इफेक्ट बिल्कुल फील नहीं होगा। उनकी बात में कितनी सच्चाई है ये इस कार को ड्राइव करके पता चलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। निसान एक्स ट्रेल में आपको एक 12 वोल्ट का माइल हाइब्रिड सिस्टम भी मिल जाता है जो कि स्टार्ट स्टॉप फंक्शनैलिटी के साथ आता है और तो और आपको ये हार्श एक्सेलरेशन के दौरान एक एक्स्ट्रा पंच भी प्रोवाइड करेगा। अब आते हैं इस इंजन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर। तो आप यहाँ पर VC टर्बो लिखा हुआ देख रहे हैं, तो VC का क्या मतलब है? मतलब वेरिएबल कंप्रेशन। जी हाँ, अब तक इंटरनल कंबशन इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता था वो फिक्स्ड होता था लेकिन निसान ने इसको भी बदल दिया है। जी हाँ, वो गाड़ी के लोड के अकॉर्डिंग इस इंजन का कंप्रेशन रेशियो चेंज कर सकते हैं। बेसिकली जो पिस्टन है वो क्रैंकशाफ्ट से कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कनेक्ट होता है लेकिन निसान स्पेशली एक मल्टीलिंक सिस्टम यूज करता है जो कि लोड के अकॉर्डिंग पिस्टन के टॉप एंड और बॉटम एंड को चेंज कर सकता है और जिससे कि आपको मिलता है डिफरेंट कंप्रेशन रेशियो एंड बेसिकली ये आपको एफिशिएंसी देगा और बहुत सारे डिफरेंट पावर बैंड्स। ये निसान की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है और ये अब तक आपको किसी भी इंजन में देखने को नहीं मिलेगा। एक मिड साइज एसयूवी जिसकी लेंथ तो लगभग 4.7 मीटर और जब आपको पता चले कि इसका टर्निंग रेडियस जस्ट 5.5 मीटर्स का है तो ये काफी अमेजिंग बात है।
फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो निसान इस 1.5 लीटर टर्बो इंजन के साथ क्लेम करता है 13.7 kmpl की एवरेज। बूट स्पेस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको ज्यादा सामान रखने की जगह तो नहीं मिलती। अगर आप इस ट्रे को ओपन करें तो यहां नीचे आप थोड़ा कुछ स्टोर कर सकते हैं लेकिन ज्यादा सामान नहीं। यहाँ साइड में आपको जैक मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 12 वोल्ट का सॉकेट, और अगर आपको ज्यादा सामान रखना है तो आपको थर्ड रो को फोल्ड करना पड़ेगा, विच इज 50-50 स्प्लिट। अगर मैंने नीचे गिरा देता हूँ, आप देख रहे हैं मैंने सेकंड रो को भी फ्लैट फोल्ड किया हुआ है जो कि 40-20 स्प्लिट है, जिससे मेरी टोटल कार्गो कैपेसिटी लगभग 1500 लीटर की हो जाती है। अब आ जाते हैं निसान एक्सट्रेल के इंटीरियर पे, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आई एम 6'4" एंड स्टिल आई एम रियली फीलिंग कंफर्टेबल एंड स्पेशियस इनसाइड दिस व्हीकल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आपको मिल जाता है एक 12.5 का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ ही साथ आपको साइड में देखने को मिलेगा एक 8 का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर सारे बटन काफी नीटली प्लेस्ड है। ओवरऑल जब मैं एर्गोनॉमिक्स या प्लेसमेंट की बात करूँ तो मुझे एक्सट्रेल के इंटीरियर में कोई भी ड्रॉबैक्स नहीं दिख रहे। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पर सारे आप उनको मैनेज करने के फंक्शंस देख सकते हैं। स्टार्ट स्टॉप इंजन थोड़ा वियर्डली प्लेस्ड है, यूजुअली ये मुझे डैशबोर्ड या स्टीयरिंग के आसपास मिलता है, बट इट इज प्लेस्ड डाउन हियर। एंड उसके नीचे आते हैं तो आपको मिल जाता है एक वायरलेस चार्जर, यहाँ पर आपको ड्राइव मोड्स के बटन मिल जाते हैं। इसमें आपको 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, विच इज स्पोर्ट, स्टैंडर्ड एंड इको। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी मिल जाता है, ऑटो होल्ड का फंक्शन भी आपको मिल जाएगा। सैडली निसान की एक्सट्रेल इंडिया में सिर्फ 2 व्हील ड्राइव सेटअप के साथ ही लॉन्च की गई है। स्टेयरिंग की बात करूँ तो कम्प्लीटली लेदर रैप्ड है, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल के फंक्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट मैनेज करने के फंक्शन मिलते हैं, प्लस आपको मिलते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स, और यहाँ पर आपको शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। अगर मैं डोर्स की बात करूं तो अपर एरिया जहां भी आप टच करेंगे वहां पर भी आपको क्लोथ फिनिश प्लस लेदर की पैडिंग मिल जाती है। लोअर एरियाज में आपको बेसिकली हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा। बॉटल होल्डर्स आर वेरी बिग इन साइज, और इसमें भी आप इजीली एक 2 लीटर की बॉटल तो स्टोर कर ही सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में आपको स्टोरेज मिल जाता है जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें आप फिर से स्टोर कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपको कॉइन के लिए भी एक अलग से एक सेपरेटर मिल जाता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको सनग्लास स्टोर करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर ऊपर लाइट्स हैं फॉर पैसेंजर, अगर मैं इस बटन को दबाऊं देन द होल थिंग लाइट्स अप। सेफ्टी अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रेल में मिल जाते हैं आपको 7 एयर बैग, ABS एंड EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट एंड अ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। मैंने इनकी कैमराज की क्वालिटी भी चेक की है एंड इट इज टॉप नॉच आई वुड से। अब मैं सेकंड रो में आ चुका हूँ तो आप देख सकते हैं हेड रूम इज जस्ट इनफ फॉर मी। आई एम 6'4" टॉल, आई एम टू टॉल फॉर एनी व्हीकल, सो आई थिंक दिस वुड बी इनफ फॉर एनी एवरेज इंडिविजुअल। प्लस मुझे यहाँ पर एक रीडिंग लाइट भी मिल जाती है, साथ ही साथ मुझे आर्म रेस्ट भी मिल जाता है जिसमें मुझे कप होल्डर भी मिल जाता है, और यहाँ पर आप अपना फोन भी रख सकते हैं। अब आप लेग रूम देख सकते हैं, इट इज जस्ट इनफ फॉर मी। मैं सीट को पीछे भी करता हूँ लेकिन उसके बाद थर्ड रो पैसेंजर के लिए लेग रूम नहीं बचेगा। जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मुझे थोड़ा इसमें कम लग रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ सामने की तरह यहाँ पर आपको एक USB-C टाइप प्लग मिल जाता है और नॉर्मल USB। थर्ड रो में जाने के लिए मुझे सीट को थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा फिर आगे, जो कि बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर ओल्डर पीपल एंड दिस इज नॉट अ नाइस थिंग टू गेट इनटू थर्ड रो। अगर मिडिल रो के पैसेंजर ने थोड़ा सा भी सीट को रिक्लाइन किया तो मुझे बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलेगा। एंड हेड रूम यू कैन सी, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी आपको एक लाइट मिल जाती है, बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि थर्ड रो शायद सिर्फ किड्स के लिए ही बनी है, जैसा कि हम दूसरे 7-सीटर व्हीकल्स में देखते हैं। Now I'm driving the X-Trail and first thing I want to say this, it is a very relaxing vehicle to drive. मुझे बहुत ही comfortable feel हो रहा है with the driving position, all the ergonomics. Nissan has worked very well on this thing. Plus इस बारे में बात कर रहा था, CVT में कोई भी rubber bang effect नहीं है. I pull this vehicle and it goes seamless. जो intelligent CVT की बात Nissan कर रहा था वो definitely मुझे इस transmission में दिख रही है, और इलेक्ट्रिक मोटर का एक्स्ट्रा पुश भी मुझे व्हेन आई पुश दिस व्हीकल यू सी
आई डोंट सी एनी रबर बैंड इफेक्ट इन दिस वर्क्स लाइक अ मैजिक. काफी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी एसयूवी है, 7-सीटर एसयूवी है, सारे लोग और उनका सामान क्या ये 3-सिलेंडर इंजन कैरी कर पाएगा. एंड अभी तो हमारे पास इतने सारे पैसेंजर नहीं है बिठाने के लिए, बट देयर इज अ पैसेंजर विद मी, माई कैमरा मैन विद इज मी, एंड आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दिस 3-सिलेंडर इंजन. It's really smooth and it's powerful. It produces 300 newton meter of torque. What else you want? Plus, आपको एक electric assist भी मिल जाता है. तो I think the 163 horsepower is more than enough for me. Plus, you have these paddle shifters to make your drive a little bit more exciting. How greatly this vehicle pulls! This huge vehicle is pulling like a hatchback. The suspension setup is really nice. Corners के around मुझे बिल्कुल भी body roll feel नहीं होता. There is a little bit body roll, but as compared to the other big SUVs, there is a night and day difference in the suspension setup. Plus ये bumps को भी काफी अच्छे से soak कर लेती है. But अगर मान लीजिए कि बहुत ही खराब सड़क है तो ये थोड़ी सी unsettling लगती है अंदर से. But when I pull the engine, तो 3-सिलेंडर इंजन थोड़ा सा अंदर से शायद noisy लग सकता है आपको. X-Trail के ग्लोबल वेरियंट्स में आपको फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, यानी कि जो पेट्रोल मोटर है वो सिर्फ एक जनरेटर की तरह एक्ट करता है और व्हील्स को सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर्स ही चलाती हैं. एंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 100 इन दैट हाइब्रिड कार इज अराउंड 6 or 7 seconds. विद दिस पेट्रोल मोटर इट टेक्स 9 seconds टू रीच 100 km/h. Which is still very impressive for the vehicle of this size. अब इसकी off-roading capabilities check करने का time तो हमारे पास नहीं था, so still we are showing you something great. ये almost 45 से 50 degree का incline होगा. You can show ahead. You can see the incline. How much it is? It is more than 50 degrees. And the vehicle climbs easily. कौन कहता है भाई 3-सिलेंडर इंजन्स में पावर नहीं होती. दीज आर ग्रेट इंजन्स. द टॉर्क सर्ज इज इमीडिएट. यू डोंट रियली फील द लैग. काशकाई की तरह ही निसान की X-Trail इतनी फ्लैशी नहीं दिखती, बट वर्क्स रियली वेल. इसका कैबिन है बहुत ही रिलैक्सिंग और फ्रस्ट्रेशन फ्री प्लेस टू स्पेंड योर टाइम, थैंक्स टू सेंसिबली लेड आउट कंट्रोल्स. पावर ट्रेन की माने तो आपको बिना एफर्ट्स लगाए मिल जाती है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, हालांकि शायद आप फ्यूल एफिशिएंसी से अग्री ना करें. एक लार्ज और प्रैक्टिकल एसयूवी जो कि अवेलेबल है 7 सीट्स के साथ और आपको मिलती है जापानीज रिलायबिलिटी. फील्स वेल बिल्ट एंड कंफर्टेबल टू ड्राइव. लेकिन शायद फीचर्स के मामले में ये अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा पीछे रह जाए, क्योंकि सीपीयू यूनिट होने की वजह से ये अपने आप को फॉर्च्यूनर और क्लॉस्टर की टेरिटरी में लैंड करती है. आपको निसान की लेटेस्ट X-Trail कैसी लगी हमें कॉमेंट्स में बताएं. इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जागरण हाईटेक को सब्सक्राइब करें.